हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैच 22 रसोई। तो आज हम बनाएंगे झटपट से 10 मिनट में बेसन लड्डू यानी कि माँ का लड्डू। इसमें आपको मेहनत कम और टेस्ट बिल्कुल बेसन लड्डू जैसा मिलेगा। इस रक्षाबंधन पे आप भी अपने भाई को कुछ हेल्दी खिलाइए। इसमें ना तो शुगर है और ना ही आटा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप भर के दालिया यानी कि रोस्टेड चना दाल ली है। अगर आपके दालिया में थोड़ा सा मॉइस्चर है तो 2 मिनट के लिए उसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिए और फिर यूज कीजिए। इस चना दाल को अब हम ग्राइंड करेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इतना फाइन पाउडर करना है। अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि इतना फाइन पाउडर करना है। ये स्टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसमें 3/4 कप यानी कि आधा कप और 1/4 कप गुड़ डालेंगे यानी कि जैगरी पाउडर डालेंगे। यहाँ मेरे पास पाउडर गुड़ है तो मैंने वही यूज़ किया है। आपके पास अगर नहीं है तो सिंपल ग्राइंड में छोटे छोटे टुकड़े करके गुड़ का डाल दीजिए और पाउडर बना लें। हाँ, यहाँ मैंने 3/4 कप गुड़ यूज़ किया हुआ है। आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम क्रश करके डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रखकर इसमें डलने वाला घी जो है उसे हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप घी यूज किया है। हाँ, यहाँ आपको कितना गरम करना है घी तो आप घी को छू सको उतना ही आपको गरम करना है। घी गरम हो चुका है तो अब घी को हम मिश्रण में डाल देते हैं। और सबको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें आधी चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स डाल देंगे और यहां आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए घी एकदम परफेक्ट डाला है हमने मिश्रण में। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। हाँ, अभी आप लड्डू बनाएंगे तो आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे पर 1 घंटे बाद वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपके लड्डू सॉफ्ट बन गए। अब अपनी पसंद के अनुसार छोटे या मोटे लड्डू बना लें। मैंने सारे लड्डू बनाकर प्लेट में रख दिए हैं। बने हैं ना एकदम बेसन लड्डू जैसे ही। आप भी जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसे मैंने थोड़े से पॉपी सीड से गार्निश किया है, थोड़े से लड्डू को सिल्वर फॉइल से और बाकी को बादाम से गार्निश किया है। आप अपने हिसाब से गार्निश करके अपने भाई को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं ना। ये देखिए तोड़ के भी दिखा देती हूँ तो बने हैं ना एकदम सॉफ्ट। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट शुक्रवार को 1 बजे।